जय जगन्नाथ। नमस्कार और वीडियो को देखने के लिए अनेक कोटि धन्यवाद। भगवान और भक्त के इसे बहुत अद्भुत कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी है एक ऐसा भक्त का जिसके लिए भगवान जगन्नाथ हर साल लेते हैं पद्म बेस। आपसे निवेदन है इस भक्त और भगवान के अलौकिक कहानी को अंत तक सुने। भक्त मनोहर दास ओडिशा के रुषिकुल्या नदी के किनारे एक छोटा सा गांव साहापुर में रहते थे। इतिहास के अनुसार 10वीं शताब्दी की अंतिम भाग की ओर राजा उदित केसरी के शासन के समय की है ये कहानी। भक्त मनोहर अपना सारा समय महेंद्र पर्वत के ऊपर भगवान जगन्नाथ के ध्यान में बिताया करते थे। उनके गांव साहापुर पुरी से बहुत दूर था, लेकिन वो नियमित रूप से पुरी आते थे अपना भगवान जगन्नाथ की एक झलक देखने के लिए। वो खुशी और भक्ति से विभोर अपना भगवान को रत्न सिंहासन में दर्शन करते थे और अपने गांव वापस चले आते थे। ऐसे ही एक बार शीतकाल में मनोहर दास भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए निकले थे। जब वो पुरी के लिए चल रहे थे, तभी रास्ता में उन्हें कुछ सुंदर सौ पंखुड़ियों वाली लाल कमल के फूल एक तालाब में मिला। भक्ति से मगन मनोहर ये भूल गए उनको पूरी पहुंचने के लिए और कुछ दिन लगेगा, और तब शायद ये फूल भगवान को देना अवस्था में नहीं रहेगा। ये सब ना सोचते हुए वो कुछ लाल कमल के फूल अपना लाल तौलिया में बांध लिए और पूरी के लिए चलने लगे। कमल का फूल को अपने हाथों से प्रभु जगन्नाथ को देने का अपूर्व खुशी में वो इतना दिनों का पैदल चलने का पीड़ा और भूख प्यास का कष्ट सब कुछ भूल गए थे। इस भक्ति और प्रेम में वो भाग के मंदिर में पहुंचे और भगवान के विग्रह को देखते रहे। तभी मंदिर के एक पुजारी उन्हें पूछे, ये तौलिया में क्या लाए हो? तो वह उनके सामने अपने तौलिया खोले और उन्हें वो कमल के फूल दिखाए और बोले, यह मैं भगवान जगन्नाथ को देने के लिए लाया हूं। वो लाल सुंदर कमल का फूल पहले जैसा सुंदर नहीं था। सारे फूल सूख चुके थे, कुछ सड़ चुके थे और सारे फूल पीला या काला हो चुके थे। मंदिर के पुजारियों ने उन्हें ऐसा सड़ा हुआ फूल भगवान को देने का दुस्साहस के लिए डंडे से बहुत पिटाई की। गंभीर चोट और मानसिक सदमा के कारण मनोहर दास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ लोग उन्हें मंदिर के बाहर पास में बड़े छात नामक मठ में विश्राम करने के लिए छोड़ आए। आश्रम के लोग उनका ख्याल रखे और खाने के लिए खीर का एक प्रसाद दिए। खीर का प्रसाद खाने के बाद वो अपना चेतना में वापस आए। उस रात को पुरी के गजपति महाराज को भगवान जगन्नाथ रात में सपने में आए और मनोहर दास के बारे में बताए और उनका कमल का फूल उन्हें अर्पण करने का आदेश दिए। गजपति महाराज अगले दिन सुबह राजगुरु से मिले और दोनों मनोहर दास को बड़ा छात मठ में मिलकर उनको सम्मानित किए। राजगुरु मनोहर दास को उनके साथ मंदिर लेकर गए।
सबके सामने मनोहर दास अपना तौलिया और एक बार खोले। सबको ताजुब करते हुए उनके तौलिया से अति सुंदर और सुगंधित लाल रंग का खिलता हुआ कमल मिला, जिसे भगवान जगन्नाथ को दिया गया। प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करते हुए कमेंट सेक्शन में जय जगन्नाथ लिखना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भगवान और भक्त के अलौकिक कहानी सुनने के लिए। भगवान जगन्नाथ और भक्त मनोहर दास की ये भक्ति की कहानी को सदा के लिए याद रखने के लिए हर साल बसंत पंचमी में भगवान जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्र पद्म वेश में अपना भक्तों को दर्शन देते हैं और इसी दिन बड़े छात मठ अपना खीर भगवान जगन्नाथ को खिलाते हैं, जो पद्म खीर नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो अपना दोस्तों और फैमिली से शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने सभी परिजनों के साथ शेयर कीजिए। भगवान जगन्नाथ के महिमा और भक्त प्रेम की कहानी को सब तक पहुंचाइए। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।